अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस डेस्टिनेशन पे हम जाने वाले हैं वो डेस्टिनेशन बहुत अरसे से मेरी बकेट लिस्ट में थी, ठीक है। और हम जा रहे हैं क्रोएशिया और उसका एक सिटी है ज़ादार। और जिस तरह आपको पता चल रहा होगा कि हम हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर, और जो हमारे साथ होता है हमेशा, मेरे ख्याल से लास्ट दो दफ़ा हमारे साथ यही हुआ है कि हमारी फ़्लाइट फिर डिले हो चुकी है और एस्टिमेटेड बताया जा रहा है कि एक घंटा डिले है, लेकिन लेट्स सी, यू नो बजट एयरलाइन के साथ ऐसा होता है। सो लेट्स गो, आपको भी साथ लेके चलते हैं और ज़्यादा देखते हैं। तो ये आफ्टर 3 आवर्स ऑफ वेट अगेन रायन एयर ने हमें धोखा दिया और ये एक अब जाके इनका प्लेन पहुँचा है। और रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं और हमने 9 बजे चलना था। अब देखें कि हम कब पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो वी हैव रीच ज़ादार एयरपोर्ट। हालांकि फ़्लाइट इतनी लंबी नहीं थी, ओनली 3 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम, बट स्टिल इट वॉज़ अ वेरी हैक्टिक फ्लाइट। ये ज़ादार एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, बस आई थिंक एक ही बेल्ट है, जो ही बैगेज क्लेम करें और साथ ही एग्जिट। और यहाँ है हमारी टैक्सी खड़ी हुई, आई थिंक समवन इज वेटिंग फॉर अस। यस, एंड लेट्स गो टू द टैक्सी। हेलो, ये जी रात के 3 बज रहे हैं और ये ज़ादार एयरपोर्ट इंतहाई छोटा एयरपोर्ट है, तो बस लैंडिंग हुई है हमारी और लैंडिंग होते ही एयरपोर्ट से एग्जिट हो गया है। बट अच्छा है, छोटा है। हमने यहाँ पे टैक्सी करवाई थी रात के 3 बजे, क्योंकि वी आर अ फैमिली, वी आर 3 फैमिलीज एक्चुअली, सो थोड़ी सी बड़ी टैक्सी है ये वाली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ज़ादार क्रोएशिया। सो हम इस वक्त खड़े हुए हैं रेंट ए कार ऑफिस के बाहर। सीन कुछ ऐसा हुआ कि रात को हम अगेन काफ़ी लेट हो गए पहुँचते होटल में, और उसके बाद हमने टैक्सी करवाई हुई थी जो कि डायरेक्टली हमें एयरपोर्ट से लेके होटल ड्रॉप किया उसने। और फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में, मैं होटल मैंने छोड़ा और मैं आया हूँ रेंट एक कार के ऑफिस में कार रेंट करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि ज़ादार में कोई भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी। सिर्फ एक रूट है जो कि सिटी सेंटर को कनेक्ट करता है एयरपोर्ट के साथ, और हमारा अपार्टमेंट सिटी सेंटर से थोड़ा सा हट के था, तो हमें फिर लकीली एक लिफ्ट मिल गई जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँच गए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है ज़्यादा की। तो इस पर हमारे साथ कुछ और फैमिलीज भी हैं, तो हमने ये वाली कार रेंट की है। इट्स अ वैन, 9 सीटर मर्सिडीज। तो हम इस पे आज का सफ़र स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, ओके सो हमने गाड़ी रेंट पे ले ली और उसके बाद हमने ज़ादार को एक्सप्लोर करना शुरू करने लगे हैं अब हम। और हमने पार्किंग की है और यहाँ पे आपको दिखाएं कि पार्किंग क्वाइट एक्सपेंसिव तो नहीं कह सकते, बट स्टिल तो हमने 1 आवर की 1 यूरो पे किया है पार्किंग का। सो इस तरह के छोटे टाउन्स के अंदर या छोटे एरियाज़ में पार्किंग का बहुत इशू होता है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा पार्किंग पेड ही मिलती है हमें। तो हमने अभी गाड़ी पार्क लगाई और सबसे पहले हमारी डेस्टिनेशन है ज़ादार की एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बीच है, तो हम वहाँ जा रहे हैं, आपको बीच दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी जितनी भी अट्रैक्शंस हैं उनकी तरफ जाएंगे। ओके लेट्स गो।
इस वक्त खड़े हैं एक ब्रिज के ऊपर जो कि ज़दार का एक सेंट्रल ब्रिज है। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो ये न्यू टाउन स्टार्ट हो रहा है और इसके अगर आप राइट साइड पे देखेंगा राइट साइड पे तो यहाँ पे ओल्ड टाउन है। तो हम इस वक्त जा रहे हैं ओल्ड टाउन विजिट करने के लिए, तो लेट्स गो। ये जहाँ की जितने भी स्ट्रीट है सब में ऐसा मार्बल का काम हुआ है, मार्बल लगा हुआ है और ये काफी स्लिपरी मार्बल है क्योंकि काफी यूज हो रहा होता है ये रोज रोज। सिटी ओल्ड टाउन घूमने के लिए इधर ज़दार में रेंट आप बाइक का भी ऑप्शन है। यहाँ आप जाएं और बहुत चीप प्राइसेस में यहाँ आपको एक साइकिल मिल जाएगी, बाईसाइकिल, और वो आप लेके पूरा ओल्ड टाउन घूम सकते हैं। अभी तक जितने भी कंट्रीज़ में हम गए हैं आई थिंक यहाँ का सोविनियर्स सबसे अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं बाकी कंट्रीज़ के नस्बत, स्पेन और इटली के नस्बत यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के सोविनियर्स, ये फ्रिज के ऊपर लगाने वाले मैग्नेट्स। ये देखें पत्थर से बनी हुई क्लॉक, काफी यूनिक चीज है ये, पहले नहीं हमने देखी पत्थर से ऐसे तराशी हुई क्लॉक्स। जी तो अभी यहाँ एक बहुत अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन हमें मिली है, ये रोमन रुइंस हैं यहाँ पे जो कि 1st century BC से में बने और 3rd century AD में कंप्लीट हुए। अब ये सिर्फ रुइंस बचे हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रश है। अभी आपको हमने इसके क्लोजअप दिखाते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे रुइंस हैं जो कि काफ़ी टूरिस्टी हैं यहाँ पे। हमारे पीछे देख रहे हैं ये है बेल टावर यहाँ का और आप इस बेल टावर पे जाके पूरे ज़दार सिटी का व्यू ले सकते हैं, तो आए हमारे साथ आपको साथ साथ व्यू दिखाते हैं। तो इस टावर के 4 stories हैं और हम इसके ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जाने के लिए 3 euros फीस है इसकी। हेलो, टिकट फॉर 2। नो, वी डोंट हैव चेंज एक्चुअली। थैंक यू। ये बहुत ही तंग गलियां यहाँ से, ये देखें जी यहाँ ऊपर पहुंच गए इंतहाई मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते हुए, बट क्या व्यू है यार यहाँ से आप देखिए बस। और ये 360 एंगल है इसका। देखें ये इस बेल टावर की हिस्ट्री, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस पूरे को पढ़ सकते हैं। ये देखें ये वो सीढ़ियाँ इतनी तंग, इन सीढ़ियों के बारे में कहा गया है कि ये इतनी गली तंग है कि सामने से आने वाले और आपके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। ये देखें सबसे फैंसी किस्म की आइसक्रीम पार्लर हमें मिला है, हर तरह का फ्लेवर, मार्स, न्यूटेला, स्निकर्स, बहुत जबरदस्त। और
और ये है यहाँ की एक मेन स्ट्रीट, ये काफ़ी ज़्यादा सुवेनियर्स की शॉप है, तो आए यहाँ से कुछ सुवेनियर्स खरीदते हैं। ये देखें, ये ऑटोमन एम्पायर के आर्किटेक्चर थोड़े से, ये 5 वेल्स हैं जो कि ऑटोमन एम्पायर में बनाए गए, 1574 में ये बनाए गए यहाँ पे, और काफ़ी ये सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल सेम। इस वक्त ये बंद है, आई थिंक ऊपर उन्होंने बंद कर दिए हैं उसको, लेकिन ये उस वक्त काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ होते थे। और ये पाँचों एक तरह, ये उसी के साथ एक क्वीन पार्क 976। ये एक जगह पे हम कॉफ़ी पीने रुके हैं, और यहाँ से ज़ादार सिटी व्यू पॉइंट है ये जगह, और यहाँ से आपको नज़र आता है पूरा व्यू सिटी का। बारिश हो रही है तो अनफॉर्चुनेटली ड्रोन नहीं उड़ सकता, लेकिन बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द साउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साउंड कहाँ से आ रही है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है या कोई इस तरह की चीज़, लेकिन नहीं, ये सारा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। आप यहाँ नीचे देखें, यहाँ कुछ पाइप्स फिट किए गए हैं, जो पाइप्स जाके सी समंदर में लग रहे हैं, और वेव्स उन पाइप्स के अंदर जाती हैं जिनसे ये साउंड क्रिएट होता है, और ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग साउंड है। यहाँ आप बहुत देर तक बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और ये ज़ादार की सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है मेरे ख्याल से, तो आए थोड़ा सा इधर सुकून हासिल करते हैं। ये देखें, ये समंदर की वेव्स आके उन पाइप्स में एंटर होती हैं और उससे साउंड क्रिएट होती है, और ये एक बहुत बड़ी वेव आ रही है, और लेट्स सी कि ये कैसा साउंड क्रिएट करती है। जस्ट लिसन टू द साउंड।